हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा मेरे इस MySQL सेक्शन में। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिस्पॉन्स कर सकूँ जो भी क्वेरी हो। आज हम देखते हैं, देखो इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नॉट नल के बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि मतलब कि नॉट नल ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं, एक सिक्स हमने कर ली है, हमने दे दिया आईडी, इंटीजर डेटा टाइप देंगे जैसे लास्ट क्लास में मैं देखा था। नॉट नल, नॉट नल हमें देखो यहाँ पे दिया है, विद स्पेस देता हूँ, नॉट नल के बीच में स्पेस होगा क्योंकि ये एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। देखिए, केवल टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल को जो हम डिस्क्राइब करते हैं, तब देखिए जरा ध्यान से दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। आईडी बनाया था नॉट नल, तो यहाँ पर नल वैल्यूज के अंदर नो आ रहा है कि वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। नल का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यूज, कि हम उसमें वैल्यूज प्रोवाइड करना हमें मस्ट हो जाएगा। आईडी के अंदर वो बिना वैल्यूज प्रोवाइड करे एंटर करने नहीं देगा। सैलरी के अंदर देखो नॉट नल बाय डिफॉल्ट था, ये अभी भी यस है, ठीक है, नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यूज करके देखते हैं इसको। जैसे मैंने सपोज हमने किया, ये देखिए एरर आ गई इसमें, जैसे हमने इंसर्ट करना चाहे इंसर्ट इनटू ईएमपी 6 वैल्यूज में डाली नल 45,000, तो यहाँ पे एरर आ गई। क्यों? क्योंकि नल वैल्यू को वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम इसमें नॉट नल कांस्टेंट दे दिया है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट वो नहीं कर पाएगा। नल प्रीडिफाइंड कीवर्ड है एम्प्टी वैल्यूज के लिए, जो वैल्यू प्रोवाइड ना करना चाहे तो नल दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बाय डिफॉल्ट तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमें नहीं चाहते, जैसे आईडी में हम चाहते हैं घर पर वैल्यूज प्रोवाइड करे ही करे, तो हमें नॉट नल लेना मस्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका छोटा सा रोल है। अब अगर मान लो सपोज हम इस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ईएमपी 6, फिर हमने ब्रैकेट में सपोज हमने दे दिया कि हम सैलरी के अंदर ही वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, सैलरी तब भी देखो एरर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आईडी के अंदर हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। लेकिन अगर ये कमांड हम इस तरीके से चलाते हैं, देखिए जिसके अंदर हम आईडी के अंदर तो वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं लेकिन सैलरी के अंदर नहीं करवा रहे, तब एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमें आईडी को मस्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। सैलरी प्रोवाइड करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉट नल हमारा केवल आईडी पे ही सेट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कमांड है नॉट नल वाली, जिससे कि हम एम्प्टी वैल्यूज ना आए, इसके लिए इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं, मतलब एक तरह से रूल लगा देते हैं कि आईडी के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करना मस्ट हो जाएगा। तो नॉट नल का इतना ही यूज है। आगे एक और कमांड करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू की। देखिए, इसके भी टेबल पहले क्रिएट करके देख लेते हैं। देखिए, वेर कैर हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं, इसमें कैर भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताया था मैंने पिछली वीडियोस में, कि इससे कुछ फर्क इसमें पड़ता नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हो प्रैक्टिकल वे में, लेकिन थियोरेटिकल वे में इसमें डिफरेंस है। देखिए, क्रिएट कमांड बन गई हमारी, क्रिएट टेबल इनटू ईएमपी,
क्रिएट टेबल ईएमपी बना रहे हैं हम। आईडी देखिए हमने यहाँ पे इंट लिया है, वेरकेयर 50 लिया, यहाँ तक तो कमांड सेम है, लेकिन अब हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए। मतलब अगर हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहें, डिफॉल्ट का मतलब को बताइए कि करोड़ की वैल्यू ना हो तो ये चली जाए, तो ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल को हम डिस्क्राइब करके देखें, देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट के अंदर ये अलग से दिखा रहा है कि दिल्ली की, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो दिल्ली वो ले लेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे देखते हैं, वैल्यूज कैसे इसमें इंसर्ट करवानी है। अगर मान लो दिल्ली इंसर्ट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है EMP7 वैल्यूज। यहाँ देखिए वैल्यू डिफॉल्ट इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर हम इस टेबल को सिलेक्ट स्टार करके देखें, तो देखिए डेली वैल्यू उसने दिखा दी है। डिफॉल्ट वैल्यू हमें जब डिफॉल्ट लिखेंगे तभी डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, और ध्यान रखना इसमें डबल कोट सिंगल कोट कुछ नहीं लगता है। डिफॉल्ट लिखा तब इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप उसने दिल्ली ले ली। अब अगर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें अगर हमें और कोई वैल्यू डलवानी हो तो बहुत सिंपल है, दूसरी कोई वैल्यू डलवानी है तो आप डलवा सकते हो, तो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मान लो सपोज आपको यहाँ पे कोई और वैल्यू डलवानी है, गोवा डलवानी है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं डलवा रहे हैं तो नॉर्मल वैल्यू तो ऐसे डलवा ही सकते हैं। दिल्ली तब डलेगा जब डिफॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियोज में हम और करेंगे एसक्यूएल के आगे कॉन्स्टेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। Thank you, friends.